मैं पता क्या, मैं बीच में जब मुझे ये था तो मैंने इतना चला, मैं बीच में जब जॉब भी करती थी मैं अपने घर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऑटो वाले भैया को रोक देती थी, उससे पैसे भी बच जाते हैं और आप चल भी लेते हो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं सारे काम कोशिश करती हूँ कि मैं चल के करूँ, तो आप भी ये चीज़ करें, आपको बिना कोई जिम जाए बिना कोई चीज़ करें आपको फ़ायदा होगा। कॉल आए ना तो चलते फिरते बात करें, कुछ भी सब्ज़ी काटना है खड़े होकर काटें, कोशिश करें कि जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्ट्रेस ना लें कोई भी चीज़ का, मोटापे का, एक्ने का, सब कुछ ठीक हो जाता है आजकल, सारी चीज़ें आ गई हैं अवेलेबल। आप अपने आप को किसी से कम ना समझें, आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके घर और जो माँ बाप सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चों को है तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें लेट डाउन ना करें, और बस यही है। और अगर आपको तो मैंने इस तरह से अपना PCOS ठीक करा, 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पीरियड्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट भी अपने आप कम हो जाता है, वेट क्या है खा लेते हैं तो बढ़ भी जाता है, अभी भी कभी कभी हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं अगर आप रातों को टाइम पे नहीं सोओगे तो, या ज़्यादा मीठा खा लोगे, जैसे फेस्टिवल्स आते हैं मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा लेती हूँ, हम लोग रातों को जग लेते हैं ना तो अपने आप हम लोगों को समझ में आ जाता है। आप सब समझ पाओगे जिनको ऐसा है कि आपको कितना चिड़चिड़ापन होता है, रोना आता है, गुस्सा आता है हर एक चीज़ पर, लेकिन जैसे ही आप फिर एकदम प्रॉपर अपने रूटीन पर आओगे तो वो चीज़ आपकी अपने आप ठीक हो जाती है। तो बहुत छोटी सी चीज़ें फॉलो करनी है, इस वीडियो को पूरा ध्यान सुने, स्किप किया है ना जिसने तो एक बार फिर से पीछे जाओ, क्योंकि मैंने एकदम प्रॉपर फ्लो में नहीं बताया है। मैं भी अभी अभी सारी यूट्यूब की चीज़ें सीख रही हूँ, किस तरह से किस चीज़ को बताना है वो भी सीख रही हूँ, तो मुझे इसीलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें, और अगर अभी तक आपने चेक नहीं कराया और आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, आपको इरेगुलर पीरियड्स है, वेट गेन हो रहा है, एक्ने आ रहा है, बाल पतले हो, तो ज़रूर जाके एक बार आप डॉक्टर को मिलें, सोनोग्राफी कराएं, उससे आपको आपकी चीज़ें पता चल जाएंगी। कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ें एकदम ठीक हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे प्यार देते रहिए। अल्लाह हाफिज़।